अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जल्दी से क्वाड्रेंट टेबल बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर यू सी ए जी दे देना है, यहाँ पर भी यू सी ए जी दे देना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने यू 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 यानी कि यहाँ पर पूरा जो यहाँ पर वर्ड होगा ऐसे आपने लिख दे जाना है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद ये सी है, ये भी आप ऐसे ही करें, ठीक है, कितना इजी है, ठीक है, इसको याद रखना, ये ए ए आपने ऐसे लिखना है, ठीक है, यहाँ पर भी आप ऐसे ही इसको कर लेंगे, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है तो कोई बात नहीं, मेरी राइटिंग तो है ही गंदी है, राइटिंग से क्या, आपको तो बस कुडान टेबल देखना है, यह वो कैसे याद रखना है वो बस आप नोट करें, ठीक है। ये आपने कर लिया, ये जो यहाँ पर यू था हमने ऐसे फर्स्ट फर्स्ट पे हमने यू यू लिख लिया, ठीक है, सी था सी सी लिख लिया, ए था ए ए लिख लिया, जी था जी जी लिख लिया, इतना हमने कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स जो यहाँ पर होगा उसको हमने पूरे कॉलम में लिख लेना है, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। अब ये सी है, इसको भी हम ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है, और ये ए है, इसको हम ऐसे लिखते जाएंगे। आई थिंक आपको समझ आ रही है, उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जी है तो जी को भी हम ऐसे लिख देंगे पूरा, और उसके बाद हमने क्या करना है, यू सी ए जी यहाँ पर देते जाना है, ठीक है, यू सी ए जी सब में ये सेम काम हो रहा है, यू सी ए जी यू सी ए जी, ठीक है, यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी, कितना अजीब लग रहा है ना, सी ए जी यू सी ए जी U C A G, जितना हमने अभी तक किया आपको आई थिंक समझ आ गई है, ठीक है, समझ तो आपको आ गई है वो तो मुझे पता है, U C सॉरी यहाँ पर ये आता है A G U C A G U C A G, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ये टेबल तो हमने बना लिया, बस हमने प्रोटीन लगानी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या करना है, यू सी ए जी यू सी ए जी ये हमने दे दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना था कि यानी कि यू 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 सी 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 जो था हमने यहाँ पर जो था वो फर्स्ट फर्स्ट में आ गया, ठीक है, और सेकंड में जो कॉलम ये यहाँ पर पड़ा है कॉलम में वो ऐसे पूरा पूरा लिख देंगे, जो पड़ा है ये पूरा पूरा सेकंड कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाले में हमने क्या किया है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यू सी ए जी, ठीक है, ये हमने किया है, ठीक है, सब में हमने यही किया है, ठीक है, यू सी ए जी यू सी ए जी, ठीक है, लास्ट में हमने ये दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं पहले इसकी बना कर देखते हैं, ठीक है, ये कुडान टेबल आपको नेट से भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको मिला भी लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखेंगे सर प्रपोज्ड थ्री आलिया, समझ आ गई और याद हो गया आपको ये लाइन, समझ आ गई, ठीक है, सर प्रपोज थ्री आलिया, ठीक है, इतना बस आप इस तरह से याद रखना है, ये नहीं आपने यहाँ पर लिख देना सर प्रपोज थ्री आलिया, पूरे स्पेलिंग नहीं लिखने, मतलब सर इस तरह से आपने लिखना है, ठीक है, इस तरह से आपने अपने माइंड में याद रखना है सर प्रपोज थ्री आलिया, ठीक है, थ्री के स्पेलिंग भी पूरे नहीं लिखने, इसी तरह जो है आपने लिखना है, तो आपने इसे याद रखना है सर प्रपोज थ्री आलिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर टू टू के पेयर थे, ठीक है, इसमें फोर फोर के हैं, इसमें टू टू के हैं, इसमें सर प्रपोज थ्री आ गया, और इसमें आ जाएगा तैमूर तैमूर स्टॉप स्टॉप हिज ग्लोइंग आसन, ठीक है, क्योंकि लीजा एस्पायर ग्लूकोज, ठीक है, जो तैमूर है उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, जो भी है लाइक लीजा, आप उसमें इतना
घुसने की जरूरत नहीं, बस आपने याद रखना है ठीक है, तैमूर की गर्लफ्रेंड है एलिजा, तो तैमूर क्या कर रहा था, आसन वगैरह जो भी उसे योगा वगैरह करते हैं वो कर रहा था, तो क्या हो गया, लीजा एलिजा आके जो है ना उसका ग्लूकोज खाना स्टार्ट कर देती है, मीन्स एक्सपायर कर देती है ना, ख़त्म कर देती है, तो वो जो होता है ना तैमूर वो मतलब स्टॉप कर देता है, वहाँ पर ही वो स्टॉप कर देता है जो वो कर रहा होता है, तो तैमूर स्टॉप हिज ग्लोइंग आसन क्योंकि लीजा एस्पायर ग्लूकोज, एस्पायर के स्पेलिंग जैसे ये नहीं अपनी मतलब ये ASP आपने इस तरह से याद रखना है ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये वाला देख लेते हैं ठीक है। ये इसमें 2 का पेयर था, फिर 1 का, फिर 1 का, और फिर ये 4, और ये आपने याद रखना है पेयर, इतना तो आप याद रख ही सकते हैं ना, और इतना कुछ रट्टा मारते हैं ये नहीं मार सकते। अब यहाँ पर देखें सिस्टर, ये आप सिस्टर समझिए ठीक है, सिस्टर की स्पेलिंग हमें यही रखते हैं, सिस्टर स्टॉप ट्रिप, सिस्टर ने क्या किया, ट्रिप से जान मतलब जाने नहीं जाना चाहिए ठीक है, सिस्टर स्टॉप ट्रिप अर्जेंटीना, अर्जेंटीना एक लड़की का नाम है ठीक है, जो भी है ठीक है, सिस्टर स्टॉप ट्रिप अर्जेंटीना, मतलब बाबी ये लगा लो अर्जेंटीना ठीक है, बाबी का नाम है। सिस्टर ने क्या किया, एक भाई की जो बहन है उसने ट्रिप से जाने मतलब वो नहीं जा रही, उसने स्टॉप कर दिया, सिस्टर स्टॉप ट्रिप अर्जेंटीना सीरियसली, सीरियसली अर्जेंटीना अगली ठीक है, जो अर्जेंटीना नाम मतलब बहुत स्टूपिड है ठीक है, तो सीरियसली अर्जेंटीना बहुत स्टूपिड है ठीक है, अगली यू को नहीं आपने अंदर पढ़ना, वो उसको साइलेंट लिखना है, तो यहाँ पर ऐसे सिस्टर स्टॉप ट्रिप अर्जेंटीना सीरियसली, सीरियसली अर्जेंटीना अगली ठीक है। और अब देखें ये इस तरह से आपने याद रखना है, मतलब पता नहीं आपको समझ आ रही है कि नहीं, आई थिंक से समझ आ भी गई होगी, टेबल तो बनाना आपको आगे होगा, ये भी इजी है, ये भी इजी है, इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लेकिन फिर भी आपने इसको इस तरह से अपने माइंड में रखना है ठीक है। और अब यहाँ पर आपने क्या 2 का पेयर था, ये भी 2 का, ये 4 का है, और ये 3 का, यहाँ पर 1, और ये यहाँ पर आएगा पहले, पहले आयशा मेथी वाली ठीक है, ये यहाँ पर ये होता है ठीक है, ये मेथी वाली ठीक है, पहले आयशा मेथी वाली ठीक है, इस तरह से आपने इसको याद रखना है, इस तरह से आपने इसके स्पेलिंग्स याद रखनी है ठीक है, इस तरह से लिखना है, सर प्रपोज थ्री आलिया, तैमूर स्टॉप्स हिज ग्लोइंग आसन क्योंकि लीजा एस्पायर ग्लूकोज, सिस्टर स्टॉप ट्रिप अर्जेंटीना सीरियसली, सीरियसली अर्जेंटीना अगली ठीक है, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। तो यहाँ पर हाँ ये इस तरह से मैंने मतलब कुछ गनमन मतलब बोला है ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना हो तो आप ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।